हेलो गाइस, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम शो, वेलकम टू वंस अगेन इट सलमान स्टाइल। गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इट सलमान स्टाइल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस, अपनी अपनी फैमिली रिलेटिव एंड फ्रेंड्स के साथ में, और अच्छे से रह रहे होंगे शहरों के अंदर। और गर्मी आ गई है तो थोड़ा सा गर्मी का ख्याल रखें, हाइड्रेट रहें, बॉडी को डिहाइड्रेट रखने से बचें। सो गाइस, आज की जो वीडियो है आप देख सकते हैं, ये बूट्स आपको दिख रहे हैं, ये बूट्स आप देख सकते हैं, बूट्स दिख रहे हैं, ये कुछ बेल्ट्स हैं मेरे पास में, और ब्रेसलेट है, ईयरिंग्स है। तो आज की जो वीडियो है कुछ इन्हीं एक्सेसरीज को लेके है, और हमारे कस्टमर हैं एक, बेसिकली वो है दिल्ली से, लेकिन वो अभी यूएस में रहते हैं। बेसिकली वो है दिल्ली से लेकिन रहते हैं वो भाग वहाँ चौक पर। उन्होंने हमें ऑर्डर किया था वहीं से एक पेयर बूट्स का, जिसकी साइज़ है 10.5 यूके इंडिया की, और बेल्ट्स उन्होंने ऑर्डर किए 3, एक ब्रेसलेट उन्होंने ऑर्डर किया, और ईयरिंग्स। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको मैं सारी एक्सेसरीज दिखाऊंगा, और एक बेल्ट का नया वेरिएंट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज की वीडियो की एक्सेसरीज का। ये आप देख सकते हैं प्योर लेदर बूट्स है, 10 नंबर साइज है, और इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं प्लेट्स की। इसमें थोड़ा सा नया टेक्निक से स्प्रेड्स को जो लगाया गया है, क्योंकि स्क्रू की वजह से बहुत से कस्टमर थे जिनको ये सही नहीं लग रही थी, लेकिन स्क्रू लगाने से क्या होता है कि इसकी जो है ग्रिप है वो अच्छी हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इसलिए हम स्क्रू लगाते हैं। बट हमने ऐसा ट्राई किया है विदाउट स्क्रू उसको फ्लेक्सिबल करने का। सो आई होप देखो अभी इसका फीडबैक कैसा मिलता है। तो ये देख सकते हैं आप, लगने में तो बहुत खूबसूरत लग रही है विदाउट स्क्रू की, लेकिन एक ये हमें देना पड़ा यहाँ पे ताकि इसकी जो है थोड़ी सी ग्रिप अच्छी हो जाए। क्या आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग, आप देख सकते हैं इसका सेकंड पेयर है, मैं इसको वियर करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसा लग रहा है। सो गाइस, आप ये देख सकते हैं मैंने इस बूट्स को वियर कर लिया है, और पहनने के बाद में देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितनी एक नंबर इसकी लुकिंग आई है। आप फ्रंट से देख सकते हैं इसको, राइट से इसका व्यू देख सकते हैं आप, एकदम कंफर्टेबल है गाइस, आराम से, और मस्त एक नंबर लुक आ रहा है इसका, देखिए नहीं। सो ये थे हमारे बूट्स। अब गाइस हम बात करते हैं भाई के ब्रेसलेट पर। भाई ने हमें ऑर्डर किया था 11.5 इंचेस का ब्रेसलेट, और तकरीबन 110 कैटेगरी के 110 ग्राम कैटेगरी के अंदर वो ब्रेसलेट है। ये आप देख सकते हैं ब्रेसलेट की फिनिशिंग, आप देख सकते हैं स्टोन, देख सकते हैं आप इसका, इसका आप बैलेंस देख सकते हैं, पीछे का बैक आप इसका देख सकते हैं, और इसका एस लॉक देख सकते हैं, आपको उसको क्लियर करके दिखा सकता हूँ। तो ये उनका था ब्रेसलेट, और एक और आइटम था उनकी ईयरिंग्स। तो बहुत सारे कस्टमर्स की ये सवाल होता है कि सर ईयरिंग्स हमें चाहिए लेकिन हमारे कान में होल नहीं है। तो ये जो ईयरिंग्स है गाइस विदाउट होल वालों के लिए ही है, क्योंकि मैं भी पहनता हूँ। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं ईयरिंग्स के साथ साथ मैं आपको इसको पहनने का तरीका भी बता दूंगा, ताकि आप इजीली इसको पहन सकेंगे अपने लिए लेने के बाद। तो पहले आप इसकी क्वालिटी देख लीजिए, ये दोनों क्वालिटी, करना क्या है, इसको पहनना कैसे, मैं बता दूँ आपको। ये जो पोर्शन है इसका, आपको इसको इस तरीके से जो है तिरछा कर लेने का है, यहाँ से ऐसे नहीं खोलना है, ऐसे नहीं खोलना है, यूँ तिरछा कर लेने का। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से तिरछा हो गया। अब इसको क्या करना है, आपको कान की लो के अंदर ऐसे फिट करना है, ऐसे पकड़ के, और ऐसी जो कान की जो पतली परत है उस परत के अंदर आपको इसको ईजीली फिट कर लेने का है। तो ये फिट हो गई, अब आप देख सकते हैं, अब इसको थोड़ा सा आपको इधर पीछे घेंच लेने का है, घींच ली, अब ये प्रॉपर हो गई,
आप देख सकते हैं इस तरीके से ये प्रॉपर लग चुकी है, या आप देख सकते हैं इस तरीके से ये प्रॉपर लग चुकी है, फिट हो गई है। अब जो आपने इसको पीछा किया था गाइस, उसको वापस अंदर से इसको पहनने के बाद में आप वापस यूं कर लें इसको, जो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन थी उस लोकेशन पे इसको, यानी कुछ जगह पे इसको, उस पोजीशन पे इसको वापस लिया, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ये लग नहीं रहा है कि विदाउट होल्स है, ऐसा लग रहा है कि पूरी होल्स वाली, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। तो ये तरीका था इसका। सेकंड वन भी आप इसी तरीके से इसको करके और वियर कर सकते हैं। तो ये इसका तरीका था। अब इसको रिमूव कैसे करना है, तो वही तरीका है इसका, जैसा आपने इसको डाली है वैसे ही आप इसको रिमूव कर सकते हैं। इस तरीके से जो है आप इसको जिस पतली परत से आपने इसको एंटर किया है उसी पतली परत से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। रिमूव हो गई और आप इसको वापस उसी पोजिशन में कर सकते हैं, ठीक है। सो ये इसका पहनने का तरीका था। अब तीसरा चौथा हमारा जो आर्टिकल है वो बेल्ट। भाई ने जो मैं बेल्ट ऑर्डर किए थे वो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, ये रेस की वाला बेल्ट है। इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं गाइस, ये आप देख सकते हैं रेस थ्री के अंदर भाई ने बेल्ट पहना था, और हैंगओवर जो सॉन्ग है किक मूवी का उसमें भाई ने पहना है, और भी कई सारे इवेंट्स और शोज़ है जिसमें भाई ने ये बेल्ट वियर किया है। आप ये देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं, लेदर की ग्रिप देख सकते हैं, स्टड जो इसमें लगे हुए हैं उसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं गाइस, फुली गारंटेड है एंड ऑसम लुक के साथ में है। मैं इसको वियर करके आपको दिखा देता हूँ कि ये लग कैसा रहा है। तो वीडियो के साथ आप बने रहें कंटिन्यू। जो है मैंने बेल्ट को आप देख सकते हैं मैंने इसको वियर कर लिया है, आप देख सकते हैं इसका लुक माशाल्लाह कितना अच्छा आ रहा है, तो देख सकते हैं आप इसका रियर व्यू। सो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, पार्टी वियर है, रेगुलर है, जैसा आप इसको पहनना चाहे वैसा पहन सकते हैं, रफली यूज कर सकते हैं क्योंकि ओरिजिनल लेदर है। स्टड भी जो है इसके अंदर हमारे ओरिजिनल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इसको सिर्फ जो है आपको पानी से बचा के रखना है, पानी और बरसात के पानी से भी जो इसको मतलब कहने का मतलब पानी से बचाना है, पानी जो है जितना हो सके इस पर पानी नहीं लगे, बस इतना आप ध्यान रखें। और ये हमारा जो येलो, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको, ये हमारा जो है येलो लीफ के अंदर है गोल्ड स्टड में, आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, ये मैंने आपको दिखाई है और वियर करके भी दिखाई है। और ये है हमारा टर्कोइज, ये भी इसकी भी मैंने वीडियो दिखाई है आपको, ये भी इसकी भी आप क्वालिटी देख सकते हैं, ऑसम क्वालिटी के साथ है मैंने आपको दिखा दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है ये लुक है, आप देख सकते हैं। बस एक नंबर चीज़ है, ऑसम चीज़ है, बेफिक्र रहें। बस एक आप ये देख सकते हैं ये वाइट लीफ के अंदर सिल्वर स्टड के अंदर जो है बेल्ट है, क्वालिटी आप देख सकते हैं और बैक है ये, और ये कुछ इस तरीके से पहनने के बाद में इसकी ऐसी लुक आती है ऑफिस। भाई जो पहनते हैं वो ये तीन ही रेगुलर साइज रेगुलर स्टाइल के जो पहनते हैं टर्कोइज येलो लीफ एंड वाइट लीफ, ये तीन जो बेल्ट हैं पहले भाई यही रेगुलर पहनते थे कि नई नई डिज़ाइन के भाई जो है बेल्ट पहनते हैं। एक ये मैंने पहन रखा है इस तरीके से भी जो है भाई इसमें उन्होंने पहना था इस टाइप का भी डिज़ाइन था। और एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये बिल्कुल नया आर्टिकल है और बहुत ही ऑसम है, आप देख सकते हैं ये, इससे पहले मैंने वीडियो में कभी आपको दिखाया नहीं है, देख सकते हैं नेक पैटर्न के अंदर पार्टी वियर चीज़ है और बहुत ही ऑसम चीज़ है। प्योर लेदर के अंदर है और बहुत ही हेवी आर्टिकल है, बहुत हेवी चीज़ है और मतलब कि एकदम डिफरेंट आर्टिकल है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ वियर करके, मतलब इसको पहनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ पहन रखा, सामने वाले को तो लगेगा ही लेकिन आपको भी ऐसा फील होगा कि हाँ आपने कुछ पहन रखा। आप ये देख सकते हैं इसकी लुक देख सकते हैं आप,
ये इसका साइड व्यू देख सकते हैं। खास तौर पे अगर ब्लैक जीन्स होगी गाइस तो ब्लैक जीन्स का तो ऐसा लगेगा कि जैसे आपने गोल्ड का बेल्ट पहन रखा है। और दूर से ही एक इसका जो एक अट्रैक्शन होगा तो वो तो पहनने के बाद ही आप पता चलेगा कि क्या अट्रैक्शन। सो ये स्नैक स्टाइल के अंदर। सो ये आज की हमारी एक्सेसरीज थी गाइस, जिसमें से तीन बेल्ट्स थे हमारे और एक पेयर बूट्स और ब्रेसलेट और ईयरिंग्स हमारे दीपक जुड़गांव करके जो कस्टमर थे, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में वीडियो के, उनके लिए है। इंशाल्लाह आज मैं ये सब उनको कुरियर कर दूंगा और उन तक पहुँच जाएगा। तो गाइस आप भी अगर इंटरेस्टेड हो इन एक्सेसरीज के अंदर तो मेरा नंबर है व्हाट्सअप नंबर, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं और भाई का स्टाइल स्वैग से बियर कर सकते हैं। सो एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि ये सारे ही ऑर्डर जितने भी हैं गाइस मेरे पास वो सारे प्रीपेड हैं, आप मुझे पेमेंट एडवांस करेंगे तब आपको ये आप तक पहुँच जाएंगे, उसकी जिम्मेदारी मेरी। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि आपको हिफाजत मुझे आराम से पेमेंट करना है, बाकी आने वाली जितनी भी जिम्मेदारी है वो मेरी है। आप तक किस तरीके से पहुँचना है, क्या क्वालिटी से लेकर हर चीज़ से लेकर, वो सारी जिम्मेदारी मेरी है। ओके गाइस, सो बेझिझक होकर ऑर्डर करें अपना अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, और अपना ख्याल रखें। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूवर्स हैं हमारे वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसी तरह अपने भाई को सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसी तरह सपोर्ट करने का गाइस, और इसी तरह सपोर्ट करें और अपने भाई को आगे लेके जाएं। और जो हमारा गोल है, जैसे कि आपको पता ही है, इंशाल्लाह वो गोल के लिए हम उस गोल तक जाएं। ओके, सो अब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, हेल्दी रहें और वाद विवादों से हमेशा बच के रहें, इस माहौल से, सोसाइटी से दूर रहें, एक रहें, नेक रहें और अपने देश को आगे लेकर चलें ना कि पीछे। ओके गाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।